बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको अपने बच्चों पे सलामती दे और आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी पूरी वीडियो जो है उसको वॉच करें। तो बहुत बहुत थैंक्स। आज मैं बनाने लगी हूँ गुलाब जामुन, के साथ साथ मीठा भी तो होना चाहिए था। ब्रेड के पीस और ये चीनी है, उसमें सब्ज इलायची है, ये दूध है, वो पानी है और ये लेमन है। अब सबसे पहले तो मैं चाशनी निकालूंगी गुलाब जामुन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इसमें डालती हूँ पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा ये मतलब खुश्क दूध के भी बनते हैं, लेकिन ये आसान भी है और अगर घर में ब्रेड है तो चले बच्चों के लिए भी सबसे इजी जो है वो ब्रेड की है। मैं बनाने लगी हूँ, वो मैंने वो पानी डाल दिया है। इनको मैं इनके किनारे उतार दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अब इस पिन का मैंने बनाना है इनको। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक अदद लेमन, ये हाफ ही बहुत है क्योंकि इससे ये होगा कि वो ना चीनी नीचे नहीं बैठेगी। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के गूंद दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज्यादा पतला नहीं करना, इसकी डो सी बना लेनी है, गूंद लेना ताकि इसमें कोई भी पीस ना हो डबल रोटी का। 10 मिनट इसको रखते हैं, फिर उधर देखते हैं चाशनी को। चाशनी जो होती है एक तार हो जाए। विवाह जी है, मेरी एक तार चाशनी हो गई है। अब इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि छोटी छोटी बॉल से बना लेते हैं हम, गोलिये बना लेते हैं। अच्छी तरह से उसको दबाना है, फिर उसको गोल गोल बना दें। इस शेप में भी तो गुलाब जामुन होते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो अभी बस मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाया है क्योंकि मैं शुगर है, मैंने खाना नहीं है, सिर्फ टेस्ट करूंगी आपके सामने, बाकी हमारे लिए बहुत है। सही हो गया, अब मैं इसको निकाल देती हूँ और फिर मैं चाशनी जो है वो ठंडी होगी तो फिर उसमें डाल दें। प्यारी बेटियों और प्यारी बहुओ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये गुलाब जामुन देख के तो हंसी आ गई होगी कि ये कहीं ना माँ जी को हमसायों ने भेजे है, लेकिन ये हमसायों ने कोई नहीं भेजे। इतनी महंगाई है, कौन इतने गुलाब जामुन किसी को भेजता है। असल में बात ये थी कि मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी और वो मैं जितनी पड़ी हुई थी मैंने उसको ज़ाया नहीं करना चाह रही थी। आपको मैंने बताया था मैं चीज़ ज़ाया नहीं करती। अब मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि चले 6 बने, लेकिन वो 5 बने हैं, इसलिए कि मेरी 5 बेटियाँ 5 बने हैं। तो मैंने तो खाना नहीं है शुगर की वजह से, तो इसलिए आप हंसे भी और मुझे ये अप्रिशिएट भी करें कि मैंने ब्रेड को ज़ाया नहीं होने दिया। अब बच्चे हो तो बंदा ज़्यादा तमाम कर लेता है,
तो फिर उतना इंसान को करना चाहिए जितना उसको जरूरत है। अब ये मैंने ब्रेड को ज़ाया ना करने के लिए ये गुलाब जामुन इतने बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखें। अब मैं इसको ना डिश आउट करती हूँ, बड़ी प्यारी डिश आउट, प्लेट आउट करती हूँ। आगे मैंने हर चीज़ डिश आउट की है, लेकिन आज मैं प्लेट आउट करूँगी। चले उनको सजाना तो है ना बेचारों को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि ये तो उनका हक है ना, चाहे कितने भी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले अब आपको वो भी नहीं नज़र आएंगे, अब हम इनको ही सजा देते हैं। ये ले इसमें क्या है, इनको सजाना तो है ना, बेशक वो थोड़े हैं इमाम। ये ले अब ये मेरे अब हैं, तो उनको डालना तो है ना। ये देखे और वो असल में बात यह है कि आज मेरी ये छोटी सी वीडियो समझे इसको, कि सिर्फ इसमें ये अप्रिशिएट करे कि मैंने ब्रेड को ज़ाया होने के लिए इतनी मौका होगा, इंशाल्लाह ताला ज़्यादा बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अब मैं इसको देखती हूँ, टेस्ट करती हूँ। ज़्यादा के खाना नहीं है ना इसलिए, तो एक बार ये ले मैंने थोड़ा सा टेस्ट लेना मैंने। बड़े मैं इसलिए हाथ बैठ के टूट ही ना जाए, इतने जमीन टूट जाए। तो चले आज की मेरी छोटी सी ये आप समझ लें, मेरी छोटी सी ये वीडियो, मैंने ज्यादा एक चम्मच लिया, थोड़ा सा लिया। प्यारी बेटियों, प्यारी बहू अपने बच्चों को बना के दे, जब ये नहीं ब्रेड की स्पेशली, बेशक अगर आपकी बच्ची भी है तो इस तरह थोड़ा सा इहतमाम कर ले और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो किसी ज़माने में मुझे तो गुलाब जामुन इतने पसंद होते थे कि मिठाई भी मैं कहती थी मैं गुलाब जामुन ही खा लिया, लेकिन अब मजबूरी है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा टेस्ट करके भी तो दिखाना होता है। तो चले मेरी आज छोटी सी वीडियो को ही आप पसंद करें और कमेंट्स दे दें कि चले माँ जी ने ब्रेड को ज़ाया नहीं किया, बेशक इतमाम किया लेकिन ब्रेड को ज़ाया नहीं किया। चले जी मेरी मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी ज़्यादा बनाएं और ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने बनाए हैं। तो अब ये पाव तो है कम अज कम, तो मैं मिठाई कौन सी पाव, तो पाव मैंने लुआजमात डाल के इनको मैंने आधा किलो कर दिया। तो चले आज की वीडियो मेरी छोटी सी यही है, इंशाल्लाह ताला कल फिर बहुत बड़ी वीडियो के साथ आऊँगी इंशाल्लाह, कभी छोटी कभी बड़ी, तो कल मैं बहुत बड़ी वीडियो के साथ आऊँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैंने कल क्या बहुत बड़ा करना है। तो प्यारी बेटियों, प्यारी बहनों, प्यारी बहू, तो बहू मुझे इसलिए नाम प्यारा लगता है क्योंकि मेरा बेटा नहीं है और मेरी कोई बहू नहीं है, तो मुझे तो दिल करता है, मैं देखो दिल तो बहुत करता है कि मेरी भी कोई बहू हो, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आजकल तो सारे बहुओं को बहू कहते हैं। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं बहू कहूँ तो, लेकिन चले अल्लाह ताला जी साथ भी बढ़ के शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको चाहिए कि आप हमेशा बहू को बहू कहे, बहू ना कहे। तो मेरी तरफ से खुदा भी, अस्सलामु अलैकुम।